आज पूरे देश में 26 जनवरी के शुभ अवसर पर यानी कि गणतंत्र दिवस पर, चाहे वो शासन कार्यालय हो, प्रशासन कार्यालय हो या राजनीतिक कार्यालय, सभी जगह तिरंगे को आज फहराकर सलामी दी गई। विशेष तौर पर आपको बता दें कि आज हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर तमाम देशवासियों को, भिवंडी वासियों को शुभकामनाएं देते हुए युवा नेता नासिर जावेद ने अपने वक्तव्य में क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। आज के दिन मैं भिवंडी के सरजमीन से देशवासियों को बोलना चाहता हूं, जो ये हम चैन की सांस ले रहे हैं, आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं, ये हमें मुफ्त में नहीं मिली। इससे पीछे लाखों कुर्बानियां, लाखों बलिदान हैं, कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ये आज का दिन हम हर साल मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन अगर हम उन वीरों को याद न करें जिनकी बदौलत आज़ादी हासिल हुई है, तो ये दिन सुना सुना लगेगा। जिन जाबाजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, वीरता का परचम लहराया, हमेशा डटे रहे, कभी झुके नहीं, ऐसे सभी क्रांतिकारियों को भिवंडी का बेटा, भिवंडी का नौजवान, भिवंडी की बेटी, भिवंडी के लोग सलाम करते हैं। ये आज़ादी वीरों का बलिदान है, खाक नहीं होने देंगे हम इन वीरों की कुर्बानी को, बर्बाद नहीं होने देंगे हम इतिहास की निशानी को, बचपन में फांसी पे लटके मासूम नौजवानों की कुर्बानी को। देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, लेकिन देश में लोग आज़ादी की सांस ले रहे थे, कोई कायदा कोई कानून किसी के ऊपर लागू नहीं हुआ था। सन 1950 में आज ही के दिन 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ, जिसको बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया। ये विशाल संविधान, महान संविधान, जो हमको, आपको, हर हिंदुस्तानी को बराबर का हक देता है अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। इस संविधान की रक्षा करना हमारा, हर हिंदुस्तानी का परम कर्तव्य है। और इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का हक दिया है, इसीलिए तो कहते हैं हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी का अंजाम है निराला, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको है अपनी आंचल में पाला। देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको जब तक तुझमें जान है। आज के दिन देश में संविधान लागू हुआ और आज जो भारत में सरकार है, वो लोकसभा में एक कानून पास की है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देश की संसद में पहली बार ऐसा काला कानून, ऐसा शर्मनाक कानून पास हुआ है, जिसको देश की नागरिकता को धर्म से जोड़ा गया है। इसके खिलाफ आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, हर धर्म के लोग कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, आदिवासी, जो भी देश के संविधान से मोहब्बत करता है, देश से मोहब्बत करता है, इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस कानून के खिलाफ पुरजोर मुखालिफत कर रहे हैं। CAA, NRC और MPR के खिलाफ हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष शेर महाराष्ट्र जनाब बाबू आसिम आजमी साहब, हमारे भिवंडी ईस्ट के, भिवंडी पूर्व के आमदार रईस भाई इस काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज हम भले ही महाराष्ट्र में दो आमदार हैं, लेकिन हमारे दोनों बब्बर शेर हैं। हम दोनों से उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो समाज को बांटने वाला कानून और जो लोगों को तकलीफ देने वाला कानून है देश जनता के लिए, वो हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, ऐसा हम भिवंडी के लोग उम्मीद करते हैं हमारे आमदार से और हमारी पार्टी से। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News। धन्यवाद।